हेलो फ्रेंड, एक न्यू रेसिपी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरी ओडिशा कुकिंग चैनल को। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू परवल की करी, तो प्लीज़ मेरी फुल वीडियो देख लेना प्लीज़। हम एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच रिफाइंड तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें परवल छोड़ेंगे, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसमें पहले कुछ हल्दी पाउडर डालेंगे, हम उसमें कुछ नमक डाल देंगे क्योंकि जो परवल के अंदर जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगी। आप देख सकते हैं हम कितने अच्छे तरह परवल को फ्राई किए हैं। एक कढ़ाई बैठाए हैं और फिर एक रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच इसमें डाले हैं। इसमें थोड़ा आलू को फ्राई करेंगे रेड होने तक। अभी ये धीरे धीरे रेड कलर में चेंज होने लगा है, देख सकते हैं ये पूरा तरह रेड हो चुका है। तो अभी एक प्लेट में इसको हम रखेंगे। महीने के पहली सोमवार है तो इसलिए हमारे घर में बिना प्याज लहसुन के करी बनता है। तो इस करी बनाने के लिए 1 बड़ा सूखा मिर्च, 2 तेज पत्ता और 2 छोटी दालचीनी, 1 छोटा इलायची और कुछ काली मिर्च और कुछ जीरा और 1 कटा हुआ टमाटो और कुछ ग्रेटेड हुआ अदरक। अभी हम करी बनाने के लिए अभी कढ़ाई में लगभग 3 या 4 चम्मच से रिफाइंड तेल डालेंगे और तेल गर्म होने तक छोड़ेंगे। अभी तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम खड़ा मसाला सब डालेंगे, जो हमारी सूखा मिर्च है, तेज पत्ता और छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च, जीरा सब कुछ डाल देंगे। अभी इसमें हमारा कटा हुआ टमाटर डालेंगे और उसको तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे। उसमें ग्रेटेड हुआ अदरक डालेंगे और उसको थोड़ा फ्राई करेंगे मसाला को। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, कुछ पानी डालेंगे क्योंकि हमारा मसाला जल ना जाए। तो इसमें कुछ पानी डाल के इसको अभी अच्छे से मिलाएंगे। देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो चुका है, मीन्स दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। तो अभी मसाला ठीक से हो गया है। इसमें आलू मिला के अच्छे से मिलाएंगे, उसमें परवल भी मिला देंगे। मसाले के साथ उस आलू और परवल और मसाले को अच्छे से पकाएंगे। मसाला, आलू, परवल सब अच्छे से पकने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। जो ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहता है वो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और हम तो सूखा रखना चाहते हैं इसलिए कम पानी डाले हैं। इसको अभी पकने देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अभी उसको अभी पकने के लिए छोड़ देंगे, उसको अभी कवर कर डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बगीचे, देखो ये देखो हमारा खेत, और ये रहा हमारा मंगलू। 8 मिनट हो चुका है तो अभी हम कवर खोल के देखेंगे करी को। अभी करी अच्छे से स्मेल भी आ रहा है और अच्छे से पक भी गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा सा स्मेल भी आ रहा है, अच्छा सा पक भी गया है। बंद कर डालेंगे।